अच्छा, अगर ऑटो में सैलरी में थोड़ा सा और बास्केट को लंबा कर लेना, तो जो बैटरी वाली जो कंपनीज हैं, आज हम देख रहे हैं कि एक्साइड भी चल रही है, अमर राजा में भी आज हम 5 से 6% के आसपास की तेजी देख रही हैं। ध्वनि, आपसे जरा ये प्रश्न रहेगा कि अगर इन दोनों शेयरों में से अगर एक को चुनना हो, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर दिखाई दे रही है और क्या आपको तेजी आज की जो है आगे और बढ़ने की उम्मीद है? अभिषेक जी, जो आपने दोनों ही यहाँ पे बैटरी स्टॉक्स की बात करी है, उसमें से एक्साइड की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा बढ़ता है। आज सुबह ही आपके चैनल पे मैंने इसको दिवाली पिक के तौर पे भी रेकमेंड करा था। यहाँ पे हमने 450 की रेट से बाइंग करी थी। आज के दिन में डेफिनेटली उससे ऊपर स्टॉक चल रहा है और क्लोजिंग भी यहाँ पे स्ट्रांग क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहता है तो इन लेवल से कर सकता है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पर है वो यहाँ पे हमने 490 का यहाँ पे टारगेट लगाया है, जहां पे स्टॉक के अंदर इसके अंदर मोमेंटम भी है कि अगर आप पिक के तौर पे भी ले तो यहाँ पे 520 तक का मोमेंटम इसका एक्सटेंड होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक्साइड के अंदर कन्विक्शन ज्यादा है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो फ्रेश पोजीशन ले रहे हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि नीचे की तरफ में आप 450 का जो स्टॉप लॉस जो कॉस्ट पे हमने सुबह बाय करने को बोला था उसी के पास उसको ट्रेल कर ले और पोजीशन को फर्दर कैरी करें।